मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे प्रदेश की सियासत में भूचाल आना तय है, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की जीडीपी से हेर फेर कर 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया है। 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह घोटाला सब घोटाले का बाप है। शिवराज सरकार ने हर क्षेत्र में घोटाला किया, यह सरकार घोटाले की सरकार है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मध्य प्रदेश में जीडीपी से हेर फेर कर 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। यह घोटाला सब घोटाला का बाप है। सुप्रिया ने कहा, प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्ज है। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की दर में फर्जीवाड़ा कर लोन लिया। चौमुखी विकास तो नहीं हुआ, लेकिन चौमुखी घोटाले जरूर हुए। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन उन लोगों को दिए गए जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, और ऐसे परिवारों की संख्या 82 लाख है। कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति बताती है कि मध्य प्रदेश में किसान 55 रुपए प्रतिदिन कमाता है। इसका मतलब सारे स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांक बताते हैं कि प्रदेश को गरीबी की गर्त में धकेल दिया गया है। आज जिस घोटाले की हम बात करने जा रहे हैं, उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो घोटाला है वो इन सब घोटालों का बाप है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रदेश की विकास दर, इस प्रदेश की जीडीपी के साथ हेर फेर किया, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, और उसी के चलते ज्यादा कर्ज लिया गया और आपको कर्ज के बोझ के तले दबाया गया। किसी भी प्रदेश में अगर जीडीपी की रेट को गलत बताया जाता है, अगर ग्रोथ की वृद्धि दर को गलत बताया जाता है, तो सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं, और गलत बताकर बढ़ा चढ़ाकर ही ज्यादा ऋण लिया जाता है। ज्यादा जीडीपी बताया जाएगा तो ज्यादा ऋण, ज्यादा कर्जा उठाया जाएगा, और इसीलिए आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये बोझ उठा रहा है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।